हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड 350X के बारे में। ये BS4 बाइक है, अभी तक BS6 में नहीं आई है। इसके अंदर भी आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, अलॉय व्हील्स हो गए, ड्यूल चैनल ABS हो गई, सब चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी। ये बाइक बहुत ही लोडेड बाइक आती है, इसको BS6 की वेट की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बस इंजन रिफाइनमेंट्स होंगे थोड़े बहुत, और प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ 5 से 7 हज़ार रुपये का मैं अराउंड कह रहा हूँ प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर इसके अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव कह रहे हैं कि ड्यूल क्रेडल चेसिस आ सकती है, जैसे बड़ी बाइकों के अंदर आती है, तो इस पर प्राइस में फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। 350X थंडरबर्ड आप देख रहे हैं। हाँ, EF5 वगैरह तो चेंज होगा, जो अभी BS6 के अंदर चेंज हो रहा है, और अलॉय व्हील्स जो BS6 की बाइक्स के अंदर आए हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी आते ही हैं। तो इस तरह से कुछ इसका टेल लैंप है, इस तरह से इसकी सीट आती है, और यहाँ पे टैंक इस तरह का 20 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक, और इसका कंसोल आपको ऑन करके दिखा देता हूँ मैं। कुछ इस टाइप से इसका मीटर कंसोल है, दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इस बाइक की अपनी एक अलग बात है, इसके अलग ही लुक है बाइक की, रॉयल इनफील्ड की बहुत ही ज़बरदस्त ये बाइक लुक देती है। कुछ इस तरह से इसका मीटर कंसोल, और अभी मैं आपको इसको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। रेड कलर है, और BS6 के अंदर इसके अंदर नए कलर्स जो 500cc में आते थे वो कलर भी अभी BS350cc में आपको अवेलेबल होंगे, ये अच्छी बात होगी BS6 के अंदर। कार्बोरेटर आता है इसके अंदर EFI, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, और जो कैटलिक कन्वर्टर है और कार्बन सेंसर है वो लगाया ही जाएगा इसके अंदर। और कुछ इस तरह से इस बाइक का लुक है जो BS4 के अंदर है फिलहाल, अभी BS6 में आई नहीं है ये। साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, मैट ब्लैक इंजन के साथ आती है, मैट ब्लैक इसका साइलेंसर आता है, और कुछ इस तरह से और लुक बनती है इस बाइक की। अलॉय व्हील्स आप देख ही रहे हैं, 9-spoke अलॉय व्हील्स जो भी आए हैं बाइकों के अंदर। और कुछ इस तरह की इसकी लाइट है, इंडिकेटर्स आप देख ही पा रहे हैं, आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ इसका फ्रंट लुक। एक सेकेंड, अब देखिए आप इस तरह से इस बाइक का लुक है। इस बाइक को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी बाइक है, ऑलरेडी फीचर लोडेड आती है ये, इसमें कोई ज़्यादा देखने वाली जरूरत नहीं है। ड्यूल चैनल मैं आपको बता ही चुका हूँ, ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है ये। और एक चीज़ मेरे को जो इसकी बहुत अच्छी लगती है, जो इसकी क्लच और ब्रेक के जो ये हमारे पकड़ने वाले हैंडल हैं, ये सिल्वर कलर में आते हैं, तो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये ABS है यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक और ABS के साथ, और रियर में भी इसके अंदर डिस्क ब्रेक विद ABS आता है। इंजन है मैट ब्लैक इंजन, RE की कुछ इस तरह से बैजिंग आती है इसके अंदर, बहुत ही स्ट्राइकिंग लुक है इस बाइक का। और मैं आपको रियर वाला दिखा देता हूँ, रियर जो व्हील है इसके अंदर भी आपको डिस्क ब्रेक विद ABS मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मैं आपको ये थंडरबर्ड 350X ही दिखाना चाहता था। ये बाइक अभी कुछ ही दिनों में BS6 के अंदर लॉन्च हो जाएगी, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, इतनी ख़राब बाइक नहीं है ये। BS6 में जाएगी तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।